के लिए जो निर्धारित समय निर्धारित किया गया है 20 मिनट का टोटल खेल, 10 मिनट का हाफ। ये पहली रेट उम्मानी के द्वारा बैतूल के कोर्ट पर। दोनों टीमें अपने बेहतरीन खेल की बदौलत सेमीफाइनल में अपना स्थान सुरक्षित किया है। 4 नंबर की जर्सी पर बैतूल के कोर्ट पर रेट करते हुए छोटे कद के खिलाड़ी के कमाल के फसले और बहुत ही अच्छा डिफेंस बैतूल के द्वारा। बैतूल राहुल भाई बहुत ही कमाल के रेट करते हैं। अच्छी रेट करते हैं राहुल के द्वारा चिप चिप लगाने का प्रयास, लेकिन किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं। और यहां पर दो अंकों का इजाफा। इसी के साथ बैतूल का खाता खुलता हुआ। दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष, कठिन का मुकाबला चलता हुआ। और यहां पर बहुत ही बड़े सुपर रेड हो गए क्या भैया, बहुत ही शानदार सुपर रेड, पहला सुपर रेड सेमीफाइनल का। मारुति संघन मालनी के द्वारा पहला सुपर रेड डाला गया है, तो सेमीफाइनल का पहला सुपर रेड। और इसी के साथ यह टच पॉइंट बैतूल की टीम को कतई कभी भी मैच का नतीजा बदलने में सक्षम। एक शिविर कर एक स्टार खिलाड़ी मौजूद है जिला शहर बैतूल की टीम में। और यहां पर बहुत ही अच्छी डिफेंस उमदा खेल का प्रदर्शन करते हुए पंडे राहुल के जब जब रेड करते हैं तब तब अपनी टीम के लिए अंक अर्जित करते हैं। बहुत ही अच्छा केक संपर्क हुआ देखो। अच्छा केक यहां पर चले उनके लंबे का केक जारी। 8 नंबर आती दोनों टीमों के अंदर एक शिखर कर एक स्टार रेडर मजबूत डिफेंस। कमाल का अच्छा डिफेंस। इस मैच के तहत सबसे अगला जो मैच दूसरा जो सेमीफाइनल होना है। दूसरा जो सेमीफाइनल होना है मैच के तुरंत पश्चात दूसरा सेमीफाइनल जो होना है पवन जनता बनाम सारा दे। ये दोनों ही टीमें तैयार है। एक नंबर और यहां पर अच्छा संपर्क टच पॉइंट। एक समय से लग रहा था कि लगता है लोन आने की कुछ समय के लिए चलता हुआ। एक शूटर या सुपर टेकलॉन पकड़ते हैं तो एक नवी दौड़ का सही जाता होगा। पूरा प्रयास बैतूल टीम का किसी न किसी प्रकार से पहला लोना लगा जाए। यहां पर सुपर टकर बहुत ही शानदार सुपर टकर 2-3। और कुछ समय के लिए लोना लगने का जो खतरा था और भी चलता हुआ। उच्च लंबे कच्चे रहे कमाल के रेडर है, लेकिन अभी तक खेले नहीं है। ये सेमीफाइनल मैच में चलना होगा। अगर फाइनल के लिए अपने स्थान सुरक्षित करना है तो इस खिलाड़ी को चलना होगा। राहुल के बैतूल
बैतूल बनाम मालनी के मध्य काटी का मुकाबला चलता हुआ इस विशाल कबड्डी प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल बैतूल बनाम मालनी के मध्य चलता हुआ यह पहला सेमीफाइनल अभी सुपर टेकराउंड है तो कहते हैं कि अब दिल को कही जाता होगा और यहां पर कुछ बहुत ही शानदार राहुल जी विकलानी को अगर सुपर टेकन में आप रोक लेते हैं ना तो बहुत ही कमाल की बात है अपने लिए और अपनी टीम के लिए दोनों ही टीमों के द्वारा बहुत ही क्रशिंग एक अच्छा मुकाबला चलता हुआ दोनों ही टीमें संतुलित टीमें बराबर की टीमें बैतूल बनाम मालनी फिर एक नंबर तो भी कमाल की रेट करते हैं बैतूल की टीम का सवाल से एक शिवर कर एक स्टार खिलाड़ी मौजूद है वही मालनी भी थर्ड रेड दो ढाई थर्ड रेड उच्च नंबर करके खिलाड़ी दो ढाई रेड टच पॉइंट जाना होगा अन्यथा अच्छा प्रयास पूरी लंबाई का फायदा उठाते और यह हाथ है टच पॉइंट चले भाई रात शांति खामोश के लिए की सेमीफाइनल में उसके लिए यहां पर कमान दर्शकों के द्वारा इस मंच खेल का आनंद लेते हुए चारों ओर हमारा कोच दर्शकों से कच्चा कच भरा हुआ तीन नंबर की जर्सी पर मालवी तंदुलंदन तलाश मालनी के खिलाड़ी के द्वारा रेड करते हुए हाफ टाइम के अंतिम तीन मिनट से थर्ड एक नंबर और यहां बैठ कर दिए गए एक मिनट के लिए ऐसा लग रहा था बैतूल की टीम हावी होगी इस मालनी पर लेकिन ये खेल है खेल बदल कर टाइम नहीं लगता भैया एक समय ऐसा लग रहा था कि पूरा दबाव मालनी के ऊपर है उस दबाव वापस बैतूल के ऊपर बनता है सुपर टेकराउंड उच्च लंबे कद के खिलाड़ी अगर ये खिलाड़ी चले ना और टच पॉइंट हमने बोला ना सभी समय पर चल रहे हैं अच्छी बैक किक और यहां पर मनीष भाई चार नंबर कबड्डी जिला चंदू को पहला होना लगने की कगार पर इस खिलाड़ी को किसी ना किसी प्रकार से टच पॉइंट लाना होगा और यहां पर वो रोना लगने का खतरा समय जो लग चुका है पहला रोना पहला रोना लगता हुआ इस मैच की तरफ से यहां तकना जो मैच होना है पावर झंडा बनाम चारा दे राहुल है राहुल है हाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है वापसी करेंगे बैतूल की टीम हाफ टाइम के बाद निश्चित ही तीन नंबर बहुत ही रोमांचक लग रहा है कि सेमीफाइनल चल रहा है भैया एक मिनट का समय से हाफ टाइम के लिए एक नंबर रवि भाई बैतूल बॉल लेने का प्रयास दर्शकों के द्वारा बहुत ही शांतिपूर्वक
इस रोमांचक मैच का। और यहाँ बोनस क्या जा रहा, ये खिलाड़ी चल रहे पर सही समय पर चल रहे भैया, चार नंबर रात भर से खामोश थे लेकिन सेमीफाइनल जैसे ही आया तो अच्छा शॉट नंबर और इसी के साथ अंतिम मैच ये हाफ टाइम के अंतिम मैच जी ब्लैक बोर्ड पर जो भी हमारे ब्लैक बोर्ड पर है भैया 11 के बाद 12 लिखिए प्रारंभ शॉट नंबर और पुलिस दर्शकों का पूरा ध्यान इस खिलाड़ी पर है और निश्चित ही अपने ये देखो पता ही नहीं चलता कि कहां से काउंटर निकाल लेंगे, पूरी लंबाई का फायदा उठाते हुए इस टूर्नामेंट की प्रतियोगिता के प्रबल दावेदार बैतूल की टीम को के ऊपर हावी होता हुआ मारुनी नंदन क्लब मालनी कौन है जब जब रेट करते तब तक पहले लेकर आ रहे हैं शॉट नंबर स्टार रेडर है और बोले दो बैन को कह जाता बैन को कह जाता बहुत ही शानदार भारत सर जी कमाल की रेड कर रहे हैं। हाँ और यहां पर रघु भाई शॉट नंबर शॉट नंबर पहली बार अंतरेट डालकर गए हैं रघु भाई को चलना होगा जिला चल बैतूल यहां पर हाफ टाइम के बाद पहला टाइम आउट लेते हैं बैतूल की टीम गोटेलाल जी पंडारे विपरिया खुद के द्वारा 200 रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाएगा जो भी सिर्फ 3 नंबर माली के खिलाड़ी के द्वारा बैतूल के कोर्ट पर रेड करते हुए बोले रवि भाई एक नंबर और यहां पर जिस रही कसरी जो उम्मीद है अब निश्चित ही कहीं ना कहीं खिलाड़ी लोग अपना खेल खेले ये थर्ड रेट डू डाई थर्ड रेट लेकर जाएंगे और ये देखिए हमने कहा था ना ले लिया
कचरा आउट। अपना छपरी मचाते हुए सैकड़ों की टीम पर कमाल का दबाव बना चुके हैं। अब इस दबाव से उबार पाना बच्चों की टीम के लिए कहीं ना कहीं ये खेल है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर इसी के साथ बहुत ही मालूम थी नंदन माली ने बहुत अद्भुत प्रदर्शन किया है, लाजवाब प्रदर्शन किया है। तो बैटिंग जैसे एक मजबूत टीम को सेमीफाइनल में पराजित करने की ओर अग्रसर। पहला सेमीफाइनल आप लोगों के समक्ष बैठे बनाम मारुदी सिंह नंदन। कुछ भी हो सकता है। अभी सात नंबर बैटिंग की टीम पूरा प्रयास करेगी कि ना किसी ना किसी प्रकार से इस मैच को निकाला जाए। अच्छा प्रयास खिलाड़ियों को किसी प्रकार से हमारे लाइन में दोनों ओर मौजूद है। एक ओर महेश राव, दूसरी ओर राकेश भाई। बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ। दोनों टीमों के बीच पहला सेमीफाइनल बैटिंग बनाम मालनी के मध्य चलता हुआ, जो कि बहुत ही रोमांचक मैच कांटे का मुकाबला चलता हुआ दोनों टीमों के बीच का संघर्ष। और यहां पर बहुत ही सुंदर सफर, बहुत ही सुंदर सफर। एक समय से लग रहा था कि कहीं ना कहीं वापसी सुपर टेकल ऑन, सुपर टेकल ऑन है। अंतिम तीन मिनट का समय से, अंतिम तीन मिनट का समय से इस मैच की समाप्ति के दो बचा, दूसरा जो सेमीफाइनल होना है पावर झंडा बनाम शारा दे। दोनों की पूरी तैयारी के साथ रहे मनीष भाई। चार नंबर दो डाइट फड़ रहे, चार नंबर आर्मी भर रहे मारुनी नंदना क्लब मालनी के खिलाड़ी। सुपर टेकल ऑन और यहां पर एक सुपर सक्सेस सुपर टेकल सफल सुपर टेकल दो अंकों का गया था। ये डबल पॉइंट जो ले रहे ना, ये मैच का नतीजा दो मिनट का समय से, दो मिनट अंतिम दो मिनट काटे का मुकाबला चलता हुआ उनका चुन बना मालनी के मध्य। बहुत ही और इसी के साथ यहां पर पहला टाइम आउट मारुति श्रीलंदन क्लब मालनी के द्वारा इस मैच के समाप्ति की तरफ। पश्चात दूसरा जो सेमीफाइनल मैच होना है पावर झंडा बनाम शारा दे। तो रही टीमें बिल्कुल पिटअप होकर कोर्ट के समीप रहे हैं। ये मैच जैसे ही समाप्त होता है तुरंत आपको कोर्ट में प्रवेश करना है। और ये प्रारंभ तीन नंबर आउट है, रेडर आउट।
इस प्रकार की गलतियां नहीं करना। हाँ चौथे में नहीं, लेकिन थर्ड रेट, थर्ड रेट डू अटाई, थर्ड रेट इसको जाना होगा। राहुल भाई और यहाँ पर बहुत शानदार ये मैच पहले टाइट हो सकता है, दबाव बहुत ही काटी का मुकाबला चलता हुआ। ये दूसरा टाइम आउट, ये अंतिम टाइम आउट, टाइम बताए भैया। अंतिम 40 सेकेंड, बहुत ही काटे का मुकाबला चलता हुआ। पीछे लेडीज है और ग्राउंड से जो भी माताएं बहने महीना वर्ग इस कबड्डी कोर्ट पर पधार रही है, मैं सभी युवा साथियों से निवेदन है कृपया हम महिलाओं को जगह दें। और यहां पर बहुत ही शानदार और ये लास्ट रेड, ये सुपर टेकल ऑन है और लगता है देखा ना एक समय ऐसा लग रहा था और इसी के साथ मैं समाप्ति की घोषणा।